तो दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार बात की जाए तो पूरे सस्पेंस में नजर आ रहे हैं करण, क्योंकि करण का मानना यह है कि आखिरकार ये होगी क्या जर्नी, क्योंकि दोस्तों वहीं पे ही पूरी शिद्दत तो रख रहे हैं इस समय राजवीर के साथ में। लेकिन दोस्तों वहीं बात की जाए राजवीर की, तो राजवीर के बारे में पूरा पता भी है कि इसकी वजह से मेरा बेटा नहीं निकल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक अटैचमेंट होती हुई नजर आ रही है करण की इस समय। और बात की जाए निधि की, तो निधि पूरा प्लान बना चुकी है, क्योंकि निधि का प्लान था इस तरीका से कि मैं किसी भी तरीका से इन लोगों को ऐसा कर दूंगी कि जो कि सौर्य लूत्रा परिवार में किसी इंसान की शक्ल तक देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि दोस्तों निधि ने पूरी तरीका से अपने अंडर में ले रखा है उस बच्चे को, बहका रखा है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इस समय सौर्य को लगातार ऐसी ऐसी चीज़ बोलती हुई नजर आ रही है जो सौर्य का कोई मतलब भी नहीं है उन चीज़ों से, क्योंकि दोस्तों सौर्य को भड़काने का बहुत बड़ा प्लान था इन लोगों का। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सौर्य इनकी बात को किस तरीका से तवज्जा देता है या नहीं देता है, क्योंकि सौर्य की बात की जाए तो सौर्य इस समय वो ही चीज़ कर रहा है जो चीज़ निधि बोलती हैं, क्योंकि निधि का ही बिगाड़ा हुआ सबसे ज़्यादा है और निधि ने ही बिगाड़ा था सौर्य को। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए घनी ही दिलचस्प देखने को मिलेगी दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सौर्य लूत्रा की बात की जाए तो सौर्य लूत्रा इस समय सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा बदतमीज लड़का है, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं से हटकर रहता है। और सौर्य का मानना ये है कि मैं डी करण लूत्रा का बेटा हूँ, तो जो मैं चाहूँ इस शहर में वो कर सकता हूँ। लेकिन इधर बोल दिया है आखिरकार राजवीर ने भी कि तुम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहोगे, बल्कि तुम्हें हिसाब से रहना होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि